देखिए, मैं दो बातें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह के ये घिनौने आरोप लगाए गए हैं, इनमें ना तो कहीं दूर दूर तक कोई सच्चाई है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश अब खुली स्टार्ट भी होगी और काफ़ी हद तक साजिशकर्ता सामने भी आ गए। मैंने माननीय कमीशन के सामने अपने सारे पक्ष रख दिए हैं और उनको यहाँ तक कहा है कि पहले तो अभी तक कोई कंप्लेनेंट नहीं था। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक चिट्ठी जो कि वायरल हुई 25 तारीख को और जिस ईमेल से वायरल हुई, वो ईमेल केवल डेढ़ मिनट के लिए बनी और डिलीट होगी। उसमें पहली चिट्ठी वायरल होती है बगैर सिग्नेचर्स के और दूसरी चिट्ठी पे 7 महिला कर्मचारियों के सिग्नेचर्स हैं, तो क्या डेढ़ मिनट के अंदर 7 महिला कर्मचारी भी वहाँ पर पहुँच गई? तीसरा, जिस व्यक्ति ने वायरल की वो सारे अपनी प्रिकॉशन यूज़ कर रहा है कि उसका डिजिटल फुटप्रिंट्स ना मिलें। नंबर दो बात, उन 7 नामों की जितनी भी महिलाएं थी जींद पुलिस में, 100% को एक मेरे से सीनियर अधिकारी के द्वारा इंक्वायरी करके पूछा गया कि क्या आपने कंप्लेंट दी, नहीं दी, क्या आपके साथ कभी एसपी साहब का बुरा व्यवहार हुआ, किसी एक ने भी अभी तक ये बात नहीं की कि साहब ने कभी भी हमारे साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार। कहना दूर की बात है, लेकिन हमेशा से उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ हमारी बात कही और सुनी। अब उसके बाद एक नई चिट्ठी वायरल होती है, वो नई चिट्ठी कहती है कि नहीं मैं धमका रहा हूँ या फिर मैं पैसे का लालच दे रहा हूँ या फिर इंक्वायरी ठीक से नहीं हो रही। अब ये चिट्ठी कौन वायरल कर रहा है? ये जो सेकंड चिट्ठी वायरल हो रही है, ये जब आती है, ये जिस ग्रुप पे आती है, कोई जीन बिग ब्रेकिंग नाम से एक यूट्यूबर है उसके ग्रुप पे आती है, जिसका आज तक ये नहीं पता लोगों को कि ये चला कौन रहा है, उसके ग्रुप पे आ रही है। और उस ग्रुप पे आने के बाद दोबारा कोई साइन नहीं है और इस चिट्ठी को डालने वाला जो फेसबुक पेज है और जो जीन बिग ब्रेकिंग को चलाने वाला, मतलब फेसबुक पेज का ईमेल आईडी का रिकवरी ईमेल और उसका रिकवरी ईमेल दोनों सेम है। मतलब जो आदमी ये खबर डाल रहा है बैठ के, वही बैठ के चिट्ठियां लिख रहा है और वही खबर डाले जा रहा है और देश की मीडिया इसको उठा के एक ऐसा लेटर बम बना दिया। मैं आज सारी मीडिया के सामने एक ही बात रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, वही जानने वाले कि जब माननीय कमीशन की या जो भी कोई सोर्स या तरीका इन्वेस्टिगेशन का हो, पहले बात आई थी उन 7 नामों से, नाम की जितनी जींद की महिलाएं हैं उनसे पूछेंगे, अब बात आ रही है कि भैया जितनी जींद जिले की महिलाएं हैं। मैंने कहा बिल्कुल 100% पूछो, मैं तो एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, 20 साल के करियर में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पूछो। अगर जब एक बार आपको पूरी तसल्ली हो जाए, सबको तसल्ली हो जाए, तो जो मेरी सामाजिक हत्या पिछले 3 दिन से लगातार की जा रही है, इसको ठीक करने के लिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें उस टाइम मेरी जरूर मदद करना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक वायरल चिट्ठी जिसका लिखने वाले का पता नहीं, उस चिट्ठी का बताने वाले का पता नहीं, और एक ऐसा यूट्यूबर जो कि खुद घर बैठ के 3 मिनट 1.5 मिनट के अंदर चिट्ठी भी बना रहा है, एक चिट्ठी बगैर साइन की पैदा कर रहा है, एक चिट्ठी विद साइन पैदा कर रहा है। जब लड़के ये कहती है नहीं हमने चिट्ठी नहीं दी, तो एक दूसरी चिट्ठी डाल रहा है और वो चिट्ठी जिस फेसबुक पेज से डाल रहा है उसका फेसबुक पेज और यूट्यूबर का जो चैनल है दोनों सेम मिलते हैं। आप आरोप यूट्यूबर पर लगा रहे हैं? हाँ, मतलब साजिश जहाँ से हुई है, साजिश एक ऐसे आदमी ने की है जो लगातार इस तरह की घिनौनी हरकतें वहाँ पे करता रहा है। अब उसको उठा लिया नेशनल मीडिया ने, अब ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। कहीं भी किसी तरीके से अगर 1% भी, 0.001% भी अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप भी को लगाएगा, एक तो बात होती है कि मैं आरोप को साबित करूँगा, एक होता कोई आरोप लगाएगा, ठीक है, तो मैं खुद अपने आप को इस बात में कहना चाहूँगा कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने कंडक्ट के ऊपर, अपने पारिवारिक जो शिक्षा मुझे मिली उसके ऊपर पूरा यकीन है कि मुझे 1% भी इस बारे में कोई संशय या डर नहीं है कि कोई मेरे ऊपर आरोप लगा देगा। आप साजिश का जिक्र कर रहे हैं, साजिश करने में केवल ये यूट्यूबर है या कुछ और लोग भी हैं? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन, अभी एक इन्वेस्टिगेशन पर FIR कल रजिस्टर हुई है, मैंने उस FIR की फेयरनेस को देखते हुए अपने सीनियर ऑफिसर को रिक्वेस्ट की है कि इसको बाहर भेजिए, वो बाहर दूसरे जिले से इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, ड्यू कोर्स में सब सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा। थैंक यू। अभी आप इनकार कर रहे हैं तमाम आरोपों से? इनकार के अलावा मैं तो कह रहा हूँ कि आरोप आपके पास भी कौन है जो आरोप लगा रहा है, पहले आप बताइए कि आपके पास आगे किसने आरोप लगाया है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इतने नेशनल लेवल पर आपने चला दिया, क्या किसी एक ने आपसे कहा कि मेरे साथ हुआ है? कोई एक आदमी आपके पास हो या आपने जाके ढूंढा? और मैं तो मतलब मेरा तो ट्रायल भी हो गया, मेरा तो आरोप लगना बाद मेरा तो ट्रायल भी हो चुका है,
बात, आप कितने ही लोग इंतजार में बैठे हैं कब गिल्टी साबित हो, कब गिल्टी साबित हो। अरे मैं गिल्टी तो तब साबित हूँ जब कोई आरोप तो लगाए मुझ पर। वो रामायण की चौपाई है ना, वो कहते हैं कि सुनई भरत भावी प्रबल, बिलखी कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश प्रभुहाथ।